सीबीआई पढ़ रहे हैं तो हमारा अस्थाना कमेटी रिपोर्ट ये तो हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये एक मेन रिपोर्ट है जिसके कारण हमारा जो सीबीआई का क्या पुनः गठन हुआ, मतलब वो गठन और मजबूत होता है या जो इंडिया में इंडिपेंडेंट इंडिया में ये गठन होता है। ठीक है, ये जो कमेटी है जो हमारे भारत सरकार का जो भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए 1962 में बनता है, ये 7 सदस्यों की कमेटी का गठन होता है। इसका जो गठन होता है इसका जो अध्यक्ष या चेयरमैन होते हैं हमारे अस्थाना जी होते, वो क्या करते हैं इसमें 6 सदस्य, 4 संसद और 2 हमारा जो डिस्ट्रिक्ट प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है वो हम देख लेते हैं दोस्तों, तो उद्देश्य तो देखना जरूरी है। तो क्या है जो हमारे केंद्रीय विभाग के जो प्रशासनीय भ्रष्टाचार के विभिन्न पहलुओं को ये पता लगाते हैं और क्या उसके रोकने के ये सुझाव देते हैं, ये जो हमारा कमेटी है ये कमेटी ये सुझाव देते हैं। उसके बाद जो सुझाव देते हैं लेकिन क्या होता है कि जो मंत्री स्तर पर जो भ्रष्टाचार होता है उसको दायरा से बाहर रखा जाता है क्योंकि जो मंत्री स्तर पर जो भ्रष्टाचार होता है मंत्री लोग करते हैं उसको दायरा से बाहर रखते हैं जाता है, यह सब बताते हैं। लेकिन क्या होता है उससे पहले होता था, लेकिन क्या होता है प्रतिवाद में क्या होता है ये जो रिपोर्ट जो सबमिट करते हैं उसमें क्या लगभग कितना 133 जिसमें से मतलब था 133 एक प्रकार का पॉइंट हो गया, उसमें से हमारे जो गवर्नमेंट होती है वो कितना 106 पॉइंट स्वीकार कर लेते हैं, मतलब कि 137 पॉइंट रहते हैं और उसमें से 160 पॉइंट को स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये अनुच्छेद 311 के को बढ़ावा मतलब बढ़ावा देते हुए क्या होता है जब भ्रष्टाचार के मामले को सुनवाई जल्दी से किया जाता है, इसी को ये भारत सरकार ने क्या किया 1976 में ये अनुच्छेद को संशोधन किया और उसके बाद क्या करते हैं कि इसको और अच्छे से संगठन करते हैं। ठीक है, तो भारतीय प्रतिरक्षण विधेयक 1962 को संशोधन किया गया जिसके तहत इसको और शक्ति मिलती है जैसे सीबीआई को और शक्ति मिलती है। ठीक है, एक स्वतंत्र एजेंसी का गठन होता है, मतलब ये स्वतंत्र एजेंसी डायरेक्ट पीएमओ के कंट्रोल में रहता है। ठीक है, वो जो मतलब कि 1964 में ये गठन को मंजूरी मिल जाती है, ये जो गठन होती है वो अपना अपना काम करती है, उस रिपोर्ट दे देती है। उसके बाद जो लोक सेवा आचरण नियम को संशोधन किया जाता है जैसे जो रिटायर कर्मचारी होते हैं या 2 साल की आर्मी अवधि को निजी क्षेत्र में नौकरी पर रोक लगा दिया जाता है, मतलब जो रिटायर कर्मचारी होते हैं उसको 2 साल के आर्मी मतलब कि वो निजी कोई काम नहीं किया जा सकता है, जैसे कि कोई आईएएस ऑफिसर आज रिटायर होता है 2021 में तो वो 2021 मतलब 22-23 तक वो कोई अपना निजी काम नहीं करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखा जाता है कि एक आईएएस ऑफिसर क्या करता है कोई भी कंपनी को मुनाफा पहुंचाता है या कोई भी विशेष व्यक्ति को मुनाफा पहुंचाता है, बोलता है कि मैं हम रिटायर होने वाले हैं चलिए आप कोई टेंडर आपको दे देते हैं, मानिए 100 करोड़ का टेंडर दे दिए, 100 करोड़ का टेंडर दे दिए, वो आज आप पैसा मत मतलब कि हमको घूस नहीं दीजिए, हमको नहीं दीजिए, क्या करते हैं कि आज से हमको 6 महीने में रिटायर होने वाला हूँ तो 8वां 9वां महीना में मतलब कि 2022 में हमको ये टेंडर उसका पैसा मतलब दे दीजिएगा क्या अलाउंसेस के रूप में या कुछ प्रेफरेंस के रूप में, हम भी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलेंगे ये कंस्ट्रक्शन कंपनी में आप हमको 50 करोड़ रुपया दे दीजिएगा। ठीक है, तो वो ऐसा बात होता है या ऐसा जो साठगांठ होता है उसको रोकने के लिए ये जो हमारा रिपोर्ट का एक पॉइंट था क्या कि कोई भी सेवा से मतलब कि रिटायरमेंट करने के बाद लोक सेवा से रिटायरमेंट करने के बाद कोई भी आदमी 2 साल तक अपना निजी काम नहीं की कर सकता है।
ये जो हमारा भारतीय दंडनीय संहिता के धारा 21 में ये जो शोषण किया गया लोक सेवा का परिभाषा का स्पर्श किया गया, उसका दायरा फिक्स किया गया। उसके बाद जो 1964 में के जो अमेंडमेंट किया जाता है किया कि इसके दायरा को फिर पूरा विस्तार से लिखा जाता है कि क्या होता है। और उसके बाद होता है क्या नियम जो कानून प्रतिक्रिया का और सरल बनाया जाता, लचीला बनाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार करने वाले लोग इस नियम के अंतर्गत आए। क्या होता है कि जब लॉ क्या होता है सरल होता है, समझने योग्य होता है, तो लोग आसानी से समझते हैं और उसको ज्यादा से ज्यादा इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो नियम कानून जो था उसको और से आसान बनाया जाता है भाषा में। उसके बाद जो हमारे जो विशेष पुलिस स्थापना के बहुत सारे जो दायरे को स्पर्श किया जाता है, उसकी शक्ति बढ़ाई जाती है। सार्वजनिक उपक्रमों को सतर्क एजेंसी के अंदर लाया जाता है, उसका स्थापना की जाती है। फिर सभी लोक सेवा मंत्री विधायक परिषद और संसद इत्यादि के जो निजी संपत्ति की घोषणा की जाती है उसको ये विभिन्न चरणों में अच्छा से देखता है कि वो सही डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड में दिए है कि नहीं दिए है वो देखते हैं। फिर जो मंत्री का जो आचार संहिता बनता है उसके बाद वो ये भी देखभाल करता है। ठीक है, राज्य राष्ट्रीय जो दल होते हैं उसके जो निजी क्षेत्र के राशि चंदा या जो मतलब कि जो डोनेशन ये सब होता है इसको भी ये देखभाल करते हैं कि ये सही है कि नहीं, कोई विशेष करके कंपनी वाला उस दल को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए क्या जा चंदा गलत रूप से नहीं दिया। ये जो नारा जो न्यूजीलैंड का जो संसद संसदीय जांच एजेंसी की जैसे उठमन की स्थापना की वैसे हमारे यहाँ भी होता है। मंत्री तो और उसकी जो विभिन्न डिपार्टमेंट है उसको ये मजबूती से देखता है और मजबूत करता है सीबीआई अपने आप को। ठीक है, जो कर्मचारी ईमानदार होते हैं उस पर भी अगर कोई क्या करते कोई कर्मचारी ईमानदार है उस पर कोई गलत रिपोर्ट मतलब कि झूठा करप्शन लगा देते हैं जिसके कारण उनकी बेइज्जती होती है, तो क्या करता है कि ये उस रिपोर्ट को भी उस